एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवइयों की खीर, क्योंकि मेरे पास सेवई जो है वो है घर पे, तो मैंने लिया है थोड़ा सा घी। ये फूड प्रोसेसर में इतनी जल्दी जल्दी अभी जो कणिक है ना, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। आसान हो गया है मेरा काम उस वजह से। तो चलो, मैंने घी डाल दिया है। घी में डालेंगे सबसे पहले सेवई। इसे ना घी में अच्छी तरीके से रोस्ट कीजिए, तभी अच्छी बनेगी। फिर हम डालेंगे दूध। आटे को मैंने फूड प्रोसेसर में गूंद लिया है, तो इसकी वजह से अभी इसके बाद मैं रोटी भी बनाऊंगी, पराठा। देखिए ब्राउन कलर में हो चुकी है। लो, हो गई खीर रेडी। यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियां, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा हरी मिर्ची का अचार जो है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी जो है वो मिर्ची ली है, हरी हरी मिर्ची है, ये देखिए है ना, तो बहुत सारी मिर्ची ली है।
थोड़ा सा ही बनाने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद है मिर्ची का अचार, तो इसलिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम मिर्ची को काट लेंगे। प्रकार से मैं सब मिर्ची जो है वो पहले काट लेती हूँ। तो देखिए मैंने मिर्ची जो है वो काट ली है, अब देख सकते हैं इसमें मैं ये काला नमक जो है वो ऐड करने वाली हूँ। थोड़ा सा ही बनाने वाली हूँ, यानी मैं घर पे खुद का खुद थोड़ा सा बना के खाती हूँ, इतना ही बना रही हूँ। उसमें सौंफ और राई जो है वो हम ग्राइंड करके डालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ली है राई, राई के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, मेरे घर में इतनी सौंफ है ये मैं ऐड कर दूँगी, और ये मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लेंगे हम। तो ये अचार एक बार बना दिया तो आप यानी जब भी कुछ खाने को तीखा चाहिए होगा तो आप खा सकते हैं। तो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ इसे। देखिए ये मसाला जो है वो बन के रेडी है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें मैंने ओनली बड़ी सौंफ रहती है ना हमारी, सौंफ और राई है इसमें, और नमक तो ऑलरेडी ऐड कर दिया है। तो ये फिर से हम थोड़ा सा ऐड करते हैं मसाला, ये पिकल मसाला है स्पेशल, हरी मिर्च का जो अचार रहता है ना उसका स्पेशल मसाला यही रहता है। तो ये जब के तब बनाइए और डालिए। तो ये हम ऐड करते हैं। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, हल्दी ठीक है, ये डाली है हल्दी,
और अब ऊपर से तेल डालेंगे और मिक्स करके रख देंगे। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा तड़का। तड़के में डालेंगे हम हल्दी और हींग, हींग मस्ट है। जब भी अचार बनाते ना तो हींग उसमें ज्यादा डालना चाहिए। और ये तड़का मिक्स करेंगे हम। मिर्ची में, मिर्ची बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इसके ऊपर हम नींबू जो है, एक नींबू वो उसके ऊपर स्क्वीज करेंगे, स्क्वीज। थोड़ा सा ही बचा बनाया है मैंने अचार, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है। के ऊपर नींबू डालना है मुझे। यस, सो अभी ये जो बॉटल है इसमें मैं ये मिर्ची का अचार जो है ये शिफ्ट कर दूंगी और 7-8 दिनों के बाद ये हम अचार जो है वो खाएंगे। देखिए कितना सारा बन गया है। सो ये देखिए, ये मेरा मिर्ची का अचार जो है ये बन के रेडी है। लेकिन ये अभी नहीं खाएंगे, 7 से 8 दिन के बाद खाएंगे हम। एटलीस्ट 3-4 दिन तो ये पकना चाहिए ऐसे, उसके बाद हम खा सकते हैं। तो बस ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।